जय हिंद। आइए अब हम लोग राज्यसभा के और लोकसभा के बीच में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। हालांकि सभी को मालूम है कि लोकसभा एज कंपेयर टू राज्यसभा अधिक पावरफुल कहें या फिर थोड़ा बहुत अधिक एडवांटेज दिया गया है, थोड़ी अधिक शक्तियां दी गई है लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इज दैट क्लियर। और जो राज्यसभा के हैं वो राज्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं और दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एमएलए ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो इसलिए जो है कुछ चीजों में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां, पावर्स, फंक्शंस इक्वल हैं, कुछ चीजों में अनइक्वल है, और कुछ चीजों में राज्यसभा को कुछ स्पेशल कह सकते हैं ना कि प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है, कुछ मायनों में। तो आज हम अभी इस वीडियो में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा दोनों इक्वल है, इज दैट क्लियर, मतलब दोनों का अभी मान बराबर है। इसके अगले वीडियो में अनइक्वल के बारे में पढ़ेंगे और फिर स्पेशल प्रिविलेज के बारे में। देखिए तो राज्यसभा इक्वल स्टेटस विद दी लोकसभा किस प्रकार से और किन किन बिंदुओं पर, किन किन फंक्शंस, किन किन रोल्स जो है दोनों सदनों का समानांतर है, बराबर है, पैरेलल है, इक्वल है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी बिल। जितने भी ऑर्डिनरी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना हो तो कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, इज दैट क्लियर। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड पासेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को पास करना हो ना तो उसमें ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पारित होंगे वह दोनों सदनों से पारित करना होगा, चाहे वह सिंपल मेजोरिटी हो, स्पेशल मेजोरिटी हो, और स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। तो किसी भी प्रावधानों में जब हम कोई संवैधानिक संशोधन करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मान बराबर है और दोनों से हमें पारित कराना होगा। तो कोई भी ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों में इक्वल स्टेटस है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। आगे है इंट्रोडक्शन एंड पासेज ऑफ फाइनेंस बिल। देखो फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में डिफरेंसेस है, इज दैट क्लियर। मनी बिल के बारे में ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि मनी बिल किसे कहते हैं। यहां बस यह जानो कि फाइनेंशियल बिल को अगर पारित कराना हो तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित कराना होगा और दोनों का यहाँ इक्वल स्टेटस माना गया है, इज दैट क्लियर। नाउ तीसरा पॉइंट है इलेक्शन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखो हम लोगों ने पहले ही जाना कि इलेक्शन जो है में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो है पार्टिसिपेट करते हैं, वह दोनों के मेंबर, दोनों के सदस्य जो है उन्हें चुनते हैं। इसके साथ साथ जो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके भी मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उन्हें इलेक्ट करती है। लेकिन इम्पीचमेंट अगर उनका होता है, मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से अगर हटाया जाता है, तो वह लोकसभा से भी किया जा सकता है और राज्यसभा से भी किया जा सकता है, ये क्लियर हो गया। अब रही बात वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति की भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है, मतलब इम्पीचमेंट मोशन, बर्खास्त का मतलब पहले इम्पीचमेंट मोशन पारित कराना होगा, तो वह भी हो सकता है। इसमें है राज्यसभा में एक प्रिविलेज है कि सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा के द्वारा भी इम्पीच किया जा सकता है, इज दैट क्लियर। आगे है चौथा है मेकिंग रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सीजीआई जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, इज दैट क्लियर। देखो पार्लियामेंट के पास जब हम लोग इसके कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर, एक्सिक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल पावर, ये सब पावर्स को जब हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉल पावर, मतलब पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी शक्तियां नहीं थी, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से यह, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह होते हैं उन्हें भी इम्पीच कर सकते हैं और उनके पद से वो हटा सकते हैं। तो वो हटाने के बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, मिसकंडक्ट हो गया, करप्शन हो गया, मतलब एक प्रकार से वो एलिगेशन अगर जज पे लगता है तो इन दैट केस किसी भी एक सदन से उन्हें इम्पीचमेंट मोशन या फिर उन्हें हटाने का, उन्हें बर्खास्त करने का जो है रिसोल्यूशन सदन में पारित किया जा सकता है। तो ये इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों किसी एक सदनों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों,
कमिश्नर ऑफ इलेक्शन, मतलब कह सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर होता है ना जो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, इन्हें इम्पीच करने की जो प्रोसीड्यूर्स है, वाइदर इट कैन बी स्टार्टेड इन लोकसभा और इन राज्यसभा। तो इन डैट केस, इस इम्पीचमेंट और इनके रिमूवल की रिसोल्यूशन में दोनों सदन का मान बराबर है। आगे है अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस। देखो, सभी को मालूम है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। कब जारी करते हैं? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, तब वो अध्यादेश जारी करते हैं कोई इमरजेंसी सिचुएशन और क्रिटिकल सिचुएशन से निपटने के लिए, ठीक है। तो उस अध्यादेश को जब सेशन में पार्लियामेंट नहीं होती है, जब सेशन में आती है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विद इन कह सकते हैं ना कि 6 वीक उसे पारित कराना होता है। तो जो अध्यादेश निकलते हैं, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो निकाले जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति एक्ट ऑन दी एड ऑन एडवाइस ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर, तो मतलब सरकार के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, उस अध्यादेश को पारित कराने में राज्यसभा और लोकसभा दोनों से कराना होता है, ठीक है। ये हो गया। आगे है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी को अगर प्रोक्लेम करना हो, इमरजेंसी प्रोक्लेम करना मतलब प्रोक्लेशन, मतलब प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा करना, ठीक है। अगर इमरजेंसी लगानी हो, ठीक है, तो उसे दोनों सदनों से पारित कराना होगा, ठीक है। तो इन तमाम चीजों में जो है, राज्यसभा आर इक्वल टू लोकसभा एंड लोकसभा आर ऑल्सो इक्वल टू राज्यसभा। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट। देखो, भारत के जितने भी पार्लियामेंट हैं उसमें इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, और बहुत सारे कह सकते हैं ना कि कमिटीज़ गठन किया जाता है, कमीशन्स गठन किया जाता है, ताकि सरकारी कामकाजों पर कुछ निरीक्षण रख सके, कुछ चीज़ों से संबंधित स्क्रूटिनी कर सके, कुछ चीज़ों का रिपोर्ट दे सके। इसके लिए आयोग वगैरह और कमेटी वगैरह बैठाया जाता है। तो पार्लियामेंट जो है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जैसे फिनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, इन तमाम जो है कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रिपोर्ट्स को, ठीक है, उन रिपोर्ट्स को जो है वह एक बार निरीक्षण करती है, और उन रिपोर्ट्स पर अपने एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऑडिट करना या उस रिपोर्ट को जांचना परखना, या राज्यसभा में भी किया जाता है उसे कंसीडर, और लोकसभा में भी किया जाता है, ठीक है। देख दो, कई बार मंत्री वगैरह जो है ना बहस के दौरान कहते हैं कि सीएजी का रिपोर्ट है, या हम कह सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन के अनुसार इतने बिल, इतने जगह इतना खर्च हुआ, इतने जगह इतना खर्च हुआ, तो मतलब ये सब जो है ना डिबेट में हमेशा आप सुनते होंगे। तो वही है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रिपोर्ट्स आते हैं वह दोनों सदनों में उसका इक्वल कंसिडरेशन किया जाता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज एनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी। अगर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के ज्यूरिडिक्शंस को एनलार्ज करना, उसके फंक्शंस को थोड़ा प्रोडेन करना हो, या फिर यूपीएससी का मतलब जो आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, इनके भी कह सकते हैं कि ज्यूरिडिक्शंस को और बढ़ाना हो, तो इन डैट केस राज्यसभा आर इक्वल टू लोकसभा। तो ये पूरे के पूरे मैंने 7 पॉइंट में यहाँ डिस्कशन किया कि किस मायनों में और किन किन परिस्थितियों में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन जो है बराबर माने जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि किन किन प्रावधानों में जो है राज्यसभा को एज कम्पेयर टू लोकसभा थोड़ा कम रखा गया है, इसके बारे में अगली वीडियो में, ठीक है। सो डेट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, देन लाइक इट, शेयर इट, एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर आर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।